दोस्तों, कोलकाता में 30 वर्षीय महिला प्रशिक्षु के साथ हैवानियत हुए 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी लोगों में आक्रोश है। धरना प्रदर्शन जारी है। कोलकाता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने हत्या और बलात्कार के विरोध में एकजुट होकर लोगों के साथ 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक प्रदर्शन करने की घोषणा भी कर दी है। आखिर आरोपी शिकंजे में है, पुलिस के ऊपर संशय था तो उस केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। हड़ताली डॉक्टर भी वापस आ चुके हैं। अपने काम पर आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है। इसके बावजूद भी लोगों में आक्रोश क्यों है? धरना प्रदर्शन थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, जबकि ममता बनर्जी सरकार लगातार लोगों से आवाहन कर रही है, अपील कर रही है शांतिपूर्ण ढंग से कि लोग व्यवधान ना डाले किसी भी कार्य में और जांच एजेंसियों पर भरोसा रखें। आइए जानते हैं कि आखिर वजह क्या है। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह कोलकाता के आरजी करर हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की है। पीड़िता के माँ बाप ने सोचा होगा कि बेटी सपना पूरा करेगी, मेरा भी नाम रोशन होगा, लेकिन उनके सारे सपने धरे के धरे रह गए। एक नजर डालते हैं हम घटना पर संक्षिप्त में। 9 अगस्त सुबह के समय रात्रि में 4:05 के आसपास सेमिनार हॉल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई। उसके बाद हॉस्पिटल के ही कर्मचारी पीड़िता के माँ बाप को सूचना देते हैं। बेटी के नहीं रहने का माँ बाप आते हैं, लेकिन 3 घंटे तक उन्हें इंतजार करवाया जाता है बेटी का चेहरा दिखाने के लिए। उसके बाद पुलिस सख्ती में आ जाती है और 24 घंटे के अंदर ही आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिन तक जांच पड़ताल करती है, लगभग 50 से ज्यादा एविडेंस इकट्ठा किए आरोपी संजय राय के खिलाफ। उसके बाद फिर हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस के पास जो भी साक्ष्य थे उसे सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया और 14 अगस्त से लेकर सीबीआई जांच कर रही है। 25 अगस्त को आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ जिसमें संजय राय था। हॉस्पिटल के प्रधाना प्राचार्य संदीप घोष, एक सिविक वॉलंटियर और 4 अन्य लोग। इस आक्रोश के बीच कई सवालों के जवाब आना अभी बाकी है। नंबर 1, पीड़िता की डेड बॉडी सेमिनार हाल में मिली तो पुलिस के पहुंचने से पहले संदीप घोष प्राचार्य वहां पर खुद पहुंचे, पुलिस बाद में आई। नंबर 2, एफआईआर से पहले ही पीड़िता की डेड बॉडी का टोप्सी यानी पोस्टमार्टम करवा दिया गया। नंबर 3, डेड बॉडी का डिस्क्रिमिनेशन के लिए जब ले जाया गया तो वहां पर पहले से ही 3 डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन उन्हें हटाकर सबसे पहले पुलिस ने पीड़िता की डेड बॉडी का डिस्क्रिमिनेशन करवा दिया गया। नंबर 4, बवाल को बढ़ते देख हॉस्पिटल के प्राचार्य ने इस्तीफा दिया, तो उसे मंजूर किया जा सकता था या ना मंजूर किया जा सकता था, लेकिन उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। इसी सेम पोजीशन पर दूसरे इससे भी बड़े हॉस्पिटल में नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो प्रमोशन कर दिया गया। प्राचार्य का नंबर 5, हॉस्पिटल के ही कर्मचारी ने पीड़िता के मां बाप को गलत सूचना क्यों दी। नंबर 6, अगर मां बाप आए तो बेटी से मिलवाने में 3 घंटे का इंतजार क्यों करवाया। नंबर 7, सेमिनार हॉल में जहां पीड़िता के साथ हैवानियत हुई थी उससे सिर्फ 20 फीट की ही दूरी पर कंस्ट्रक्ट का काम क्यों शुरू करवा दिया गया। नंबर 8, एक सिविल वॉलंटरी पावर कैसे मिल गई थी कि वह हॉस्पिटल में किसी भी स्टाफ से मिल सकता था किसी भी टाइम, चाहे वह महिला रेजिडेंस में जाना हो, चाहे वॉन ऑपरेशन थिएटर में जाना हो, चाहे सेमिनार हॉल में जाना हो, वह कहीं भी किसी भी समय आ सकता था, जा सकता था। नंबर 9, महिला के डेड बॉडी में मिले 150 मिलीग्राम सीमन से अभी तक यह अस्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसके साथ रेप हुआ है या गैंग रेप हुआ है, क्योंकि एक मेल सिर्फ 56 मिलीग्राम तक ही सीमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। इन सब सवालों के जवाब तो अभी आने बाकी है, वह तो जब सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगाएगी तब पता चलेगा। लेकिन लोगों बात 25 अगस्त 2001 की है। सुमित्र विश्वास नाम का एक लड़का इसी आरजी करर हॉस्पिटल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन वह अपने घर वालों को बताता है कि हॉस्पिटल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत गड़बड़ी है। इसके बाद अगस्त के उसी सप्ताह में
25 तारीख को वह आर्ज करर हॉस्पिटल के ही रूम नंबर 15 में फांसी से लटका हुआ मिला। उसके मुंह में कपड़ा ठुसाई गई थी। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, जैसे इस केस में पुलिस ने शुरू में हत्या को आत्महत्या बता दिया था, वैसे ही उस केस में भी पुलिस ने यही बताया था कि आत्महत्या किया है। लेकिन सौमित्र के माँ बाप को यकीन नहीं हुआ कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह बहुत खुशमिजाज लड़का था। माँ बाप कर क्या सकते थे। फिर उन्होंने आरजी करर हॉस्पिटल के खिलाफ सरकार के पास कई पत्र लिखे, गड़बड़ी की शिकायत किया, लेकिन न्याय नहीं मिला। तब कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो उस समय सीबीआई ने तो जांच नहीं की, लेकिन सीआईडी के द्वारा जांच करवाई जाती है। तो सौमित्र के ही कुछ मित्रों ने बताया, जो अब इस समय डॉक्टर बन चुके होंगे, कि इस हॉस्पिटल में पोर्नोग्राफी का काम चलता है। इसके बारे में तो पता सबको है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए आवाज ही नहीं उठाते हैं, क्योंकि यह लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। आगे यह भी बताया कि सोनोगाछी रेड लाइट एरिया से सुंदर लड़कियों को अर्जिकल हॉस्पिटल में बुलाया जाता है और उनके साथ पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाया जाता है। इसके बाद फेमस हीरोइनों को चेहरे के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, और कई बार जब कोई उपलब्ध नहीं होता तो हॉस्पिटल में जो फीमेल फ्रेश बड़ी आती है उनको यूज करके फिल्म बनाई जाती है और मार्केट में खूब बेचा जाता है। उस टाइम भी इसी अर्जिकल हॉस्पिटल की सेमिनार और रूम नंबर 15 का जिक्र हुआ था। उसमें यह भी कहा गया था कि कई बार हॉस्पिटल की लड़कियों का भी फेस इस्तेमाल कर लिया जाता था, उनका चेहरा होता था, तो फिल्में बहुत जल्दी बिक जाती थी। उस केस में ही आगे बताया गया कि सौमित्र की एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी बर्थडे पिक्चर थी, उसका उन लोगों ने वीडियो बना लिया था और बाद में मार्केट में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। जो सौमित्र विश्वास को यह सब पता चला तो वह आक्रोशित हो उठे और जाकर उन लोगों के पास पूछताछ करने लगे, तो झगड़ा हो गया और उसी दिन रूम नंबर 15 में ही उनका डेड बॉडी लटकी हुई मिली। उस केस में जांच चल रही थी सीआईडी की, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर ही 2001 में एक ट्राइबोर्ड और लाइट इजेक्टर मिला, जो आज के समय में तो नॉर्मल बात है, लेकिन आज से 24 साल पहले लाइट इजेक्टर मिलना और ट्राइबोर्ड मिलना, कैमरा मिलना नॉर्मल बात नहीं थी। इसको भी लेकर उस समय बहुत कुछ हुआ था, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया था उस केस में। ऐसे ही एक दूसरा केस आता है, उसी आरजी करर हॉस्पिटल की 1 मई 2020 की बात है। एक पलामी शाह नाम की स्टूडेंट, जो पीजी सेकेंड ईयर की थी, 6वीं मंजिल से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उसकी मौत कैसे हुई, वह भी आत्महत्या बताकर छोड़ दिया गया। आज भी उसकी मौत संदिग्ध के घेरे में है। इस तरह से हॉस्पिटल की गतिविधि को लेकर हॉस्पिटल के जो स्टूडेंट है, डॉक्टर हैं, और भी जो लोग हैं, वह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं, सही जांच करवाना चाहते हैं। इसीलिए लोगों में आक्रोश है, धरना प्रदर्शन अब भी जारी है, जबकि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो दोस्तों, इस मामले में जैसे ही सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट लगेगी, फाइनल तक बात पहुंचेगी। आगे जो भी अपडेट होगा हम जरूर आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं वीडियो में फिर किसी नई घटना के। जब तक के लिए जय हिंद साथ, धन्यवाद।